फ्रेंड्स टू आई टीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है तो हम इसका LHS पार्ट लेंगे। LHS इज इक्वल टू है हमारा साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें हम लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी हम न्यूमरेटर में लगाएंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी हम डिनोमिनेटर में लगाएंगे। तो दोनों के ही फॉर्मूले मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, ये आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन और ये आपका 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। और ये 2 हो जाएगा कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 और ये आपका हो जाएगा कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। तो आप देखेंगे न्यूमरेटर cos 5x माइनस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2, तो ये दोनों क्वांटिटी तो सेम है तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी। अब ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x सॉरी ये आपका साइन अपॉन कॉस है और एंगल में आपका सेम चीज लिखी है तो ये आपका हो जाएगा tan 5x प्लस 3x बाई 2, क्या हो जाएगा tan 8x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा tan 4x जो कि आपका क्या है RHS है। सो इस क्वेश्चन में करना क्या था, LHS इज इक्वल टू RHS, यही बात हमें प्रूव करनी थी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, LHS से स्टार्ट करते हैं हम लोग। LHS इज इक्वल टू है हमारा cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस cos 5x, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये आपका क्या लगेगा न्यूमरेटर में cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d आपका होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 और साइन सी माइनस साइन डी, ये आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो भाई ऊपर क्या लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 कॉस और ये आपका 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू और ये आपका कॉस 7x माइनस 5x बाई 2 अपॉन और ये साइन सी माइनस साइन डी है 2 कॉस 7x प्लस 5x बाई 2 और ये आपका हो जाएगा साइन 7x माइनस 5x बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो हमारा क्या हो जाएगा
ये आपका ये हो जाएगा 12x बाई टू, ठीक है। तो ये आपका 2 cos और ये आपका हो जाएगा 6x इंटू और ये आपका 7x माइनस 5x, ये आपका क्या हो जाएगा cos x अपॉन और ये आपका हो जाएगा 2 cos 6x इंटू और ये आपका हो जाएगा sin x, ठीक है। तो 2 cos 6x से 2 cos 6x तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका cos x अपॉन sin x, ये आपका क्या हो जाएगा cot x, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू आ गया है हमारा RHS, ठीक है। बस यही बात हमको यहां पर प्रूव करनी थी, इसको नोट डाउन कर दीजिए। यहां पर बेटा क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कॉपी करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ये आपका क्या है, ये आपका है साइन 7x माइनस साइन 5x, ओके। और यहां पर भी आपका ऐसा ही होगा साइन 5x, ठीक है। बाकी सब ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इज इक्वल टू है हमारा साइन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। आप देखिए साइन सी प्लस साइन डी, ये आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। और ये आपका कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यही दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहां पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आइडेंटिकल हैं तो ये दोनों आपके कट जाएंगे, ठीक है। 2 से आपका 2 कट जाएगा और ये आपका साइन अपॉन कॉस और आपका एंगल आपका सेम है, तो ये आपका हो जाएगा टेन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, यही बात आपको प्रूव करनी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग LHS को लेते हैं। LHS इज इक्वल टू है हमारा साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है। इसमें मुझे ये देखना है कि ये आपका हाँ टेन एक्स माइनस वाई बाई टू प्रूव करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन और ये आपका है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ओके। तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी ये आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ओके। कॉस सी प्लस कॉस डी ये आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस
एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ओके, और ये कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आपका टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, और ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स तो आइडेंटिकल है, टू से टू कट जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। अब ये आपका हो जाएगा टेन एक्स माइनस वाई बाई टू, किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमको एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस यही प्रूव करना था, इसको नोट डाउन कर लीजिए।